ही बेचो सिर्फ बेचो, दो स्टॉक जरूर बेचो। पहला, 1 करोड़ 20 लाख का वॉल्यूम, और दूसरे का है 1 करोड़ 28 लाख का वॉल्यूम। पहला बेचो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर देखेंगे तो 0.4, ये वॉल्यूम देखेंगे 1 करोड़ 26 लाख 7,500 का वॉल्यूम था दोस्तों, और दूसरे का 1 करोड़ 28 लाख का वॉल्यूम था टाटा मोटर्स का। और उसके बाद TCS बेचो, विप्रो बेचो, भारती एयरटेल बेचो, टाटा मोटर्स बेचो, और टाटा मोटर्स DBR, भारती एयरटेल बेचो, मारुति सुजुकी बेचो, बजाज ऑटो बेचो, SBIN बेचो, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड ACL टेक बेचो, अडानी पोर्ट बेचो और अडानी इंटरप्राइजेज बेचो, कोटक महिंद्रा बैंक बेचो दोस्तों। अब आ जाइए, आपको कुछ और चीज़ दिखा दें कि वो क्या है, और मार्केट खुलते ही क्या क्या खरीदेंगे। पहला पहला खरीदारी करेंगे डॉक्टर रेड्डी, दूसरा हीरो मोटर कॉर्प, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और सुजलन एनर्जी में क्या करेंगे, BCG में क्या करेंगे, क्या सुजलन एनर्जी और SJVN, अडानी खरीद रहे हैं या अंबानी खरीद रहे हैं, दोनों के दोनों में से कोई नहीं खरीद रहा दोस्तों, दोनों के दोनों जो हैं ये समाचार जो आ रहे हैं कि सुजलन एनर्जी कोई बोल रहा है अडानी खरीद रहा है, कोई बोल रहा है अंबानी खरीद रहा है, और यही तो लगता है कि वीडियो देख के लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों के दोनों सब झूठ खबर है, झूठी खबर है, फॉल्स न्यूज़ है, फ्रॉड वीडियोज़ हैं, और वीडियो बनाने वाले आपके टाइम को ख़राब कर रहे हैं, वीडियो बनाने वाले जो है आपके समय को ख़राब कर रहे हैं, और समय के साथ साथ उन कंपनियों को भी साख खराब कर रहे हैं जो झूठी खबरें नए शेयरधारकों को पहुंचा कर वीडियो और अपना उल्लू सीधा करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज बेचो, कल मार्केट खुलते ही इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट। आइए दोस्तों देखते हैं, ये तो हो गया आपको कल की बात। आज डाउ जोन्स और नैस्डैक में महागिरावट होने वाली है, और ये गिरावट इस महीने की 22 तारीख तक होगी। जब तक कि इसका मीटिंग या खबर आएगा तब तक बर्बाद हो चुके होंगे, लेकिन डाउ जोन्स, नैस्डैक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इन सब की बर्बादी में भी आबादी है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी उस गोदाम में जहाँ हमने भर कर रखा है दोस्तों। आइए तो चलते हैं उस गोदाम में से मैं ले आता हूँ। दिन में मैं यही कर रहा था कि किस विदेशी बाज़ारों में कहाँ पे होगी कमाई, उसका चर्चा ज़रूर करना है।
और ये जरूरी भी है। इसलिए कि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम, और लाइक कर दीजिए अभी देखने से पहले। चलिए, तो विदेशी बाज़ारों में कहाँ कहाँ कमाई होगी वो हम आपको ज़रूर दिखा दें। चलिए तो शुरू करते हैं। उठा लीजिए माल दबा कर दोस्तों। एयरलाइंस दुनिया के हवाई जहाज़ों के जो कंपनी है, दुनिया के टॉप प्रॉफिट कराने वाले, और एक महीने के अंदर 10,000% की कमाई कराने वाले विदेशी शेयर भारत के लोगों को काफ़ी मुनाफा करवाने के लिए तैयार है दोस्तों। बोइंग कंपनी, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। BA बोइंग कंपनी, $221 का ये स्टॉक है। इसकी मार्केट कैप है, आपको मैं बता दूं, 13,000 करोड़ से ज़्यादा का है। दूसरा स्टॉक मैं आपको बता दूं, एयरबस है। ये EPA स्टॉक एक्सचेंज में यूरो है, एयरबस, और ये लिस्टेड है आपको EPA स्टॉक एक्सचेंज में। 129 यूरो का ये स्टॉक, वेरी गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टर, एनी टाइप इन्वेस्टर। नेक्स्ट सनोफी SA, ये भी EPA में है और 95 का स्टॉक है, डॉलर का एक बढ़िया स्टॉक है, और ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर जाने के लिए तैयार है दोस्तों। अब आइए ड्यूट्स लुफ्टानास, ETR स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये 9.33 यूरो का स्टॉक है, और ये आपको मुनाफा कमाई कराने के लिए तैयार है। अगर इंटरनेशनल ट्रेडर हैं आप, और आपके पास इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट है, तो इन सभी स्टॉक को आप देख सकते हैं। इसका नाम ये है, और ETR कोड है LHA, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये सभी आपको विदेशी स्टॉक हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप ज़रूर इसको रखिए अपने आज रडार पे। अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप, इसका ये नैसडैक में लिस्टेड है, AAL, $16 का स्टॉक है, बहुत ही सस्ता, बहुत महंगा होने वाला दोस्तों। और ये रडार कल का है, इसका मार्केट कैप है 1,000 करोड़ का, और प्राइस अर्निंग 6 है, 12-13 आते हैं, ये बहुत बढ़िया स्टॉक आपको दे सकता है। $31 का ये स्टॉक है, साउथ वेस्ट एयरलाइंस कंपनी, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और ये भी स्टॉक जो है, आपको पूरी कुंडली इसकी मैं बता दूँ थोड़ा सा, इसकी पूरी कुंडली यह है कि ये स्टॉक बहुत भारी नीचे गिरावट में आया था 2023 में इसी साल, और इसका मार्केट कैप है 1.887 करोड़ डॉलर, और प्राइस अर्निंग 330 है। दो स्टॉक हम आज लेने वाले दोस्तों, दो विदेशी स्टॉक हम लेने वाले हैं, और आपको आज मैं बता दूं, इसको डबल होने से पहले ही बता देता हूं ताकि आपको भी याद रहेगा। एक मैं ये स्टॉक लेने वाला हूं दोस्तों, डेल्टा एयरलाइंस, ये मैं 2025 तक के लिए लेने वाला हूं। डेल्टा एयरलाइंस जो $40 का स्टॉक है, आज मैं लेने वाला हूं, ठीक है, मैं आपको बता दिया। इसका मार्केट कैप है 2,500 करोड़ डॉलर, और प्राइस अर्निंग 13.60 है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा मैं कौन सा लेने वाला हूँ वो भी मैं बता दूँ आपको। दूसरा मैं लेने वाला हूँ जेट ब्लू एयरवेज कॉरपोरेशंस, जो नैसडैक में है 7.7
डॉलर का स्टॉक है, पैनी स्टॉक है ये। तीसरा मैं स्पिरिट एयरलाइंस इनकी लेने वाला हूँ, जो आपको मैं पहले बता दिया, और ये इसलिए बता दिए कि आपको गलतफहमी नहीं रहे कि हमने बताया नहीं था दोस्तों। और एक स्टॉक और हमारे रडार पे आया, वो भी मैं आपको बता दूं, जिसका मार्केट कैप है 814 करोड़। ये भी एयरलाइंस का एयर कनाडा, 22 कनाडियन करेंसी का स्टॉक है, और ये हम लेने वाले हैं। दूसरा आपको मैं बता दूं, 8000 करोड़ का मार्केट कैप इसका है, और ये बढ़िया स्थिति में स्टॉक है, $65 का स्टॉक है, ये है शॉपिफाई लिमिटेड। और Wix.com ये भी दिखा दूं आपको, ये आपको सभी इंटरनेशनल ट्रेडिंग में नैस्डैक में लिस्टेड है। और एक स्टॉक और हमारे रडार पे आ रहा है, वो मैं आपको बता दूं, ये मैं लेने वाला हूँ, 7 सिंगापुर का जो करेंसी है वो ये मैं लेने वाला हूँ 7। ये पैनी स्टॉक सिंगापुर का, सिंगापुर एयरलाइंस का पैनी स्टॉक है, और इसकी रडार जो है, इस लेना तो था दोस्तों यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन चलो जब जागो तभी सवेरा समझो, ये इसलिए मैं ले रहा हूँ सिर्फ, ये डिविडेंड भी देता है स्टॉक, ये सिंगापुर एयरलाइंस जो है डिविडेंड देता है, स्पाइस जेट की तरह पैनी स्टॉक है, लेकिन स्पाइस जेट की बात छोड़िए, हो तो सिंगापुर टेली कम्युनिकेशन एक्शन, ये पैनी स्टॉक से 2.4442 रुपया 45 पैसा का ये रुपया नहीं दोस्तों, ये सिंगापुर का जो SGD करेंसी है उस हिसाब से, तो हमारा भारतीय रुपया में आपको देखेंगे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये स्टॉक पैनी स्टॉक है, इसको आप ले सकते हैं। दूसरी तरफ आज एकदम यूनाइटेड ओवरसीज, आज ओवरसीज बैंक का मेला लगा दोस्तों। अब आइए, अमेरिका के यूनाइटेड ओवरसीज बैंक मैं लेने वाला हूँ, और मैं आपको बता दूं क्यों लेने वाला हूं, क्योंकि इसका प्राइस अर्निंग 10.48 है, और जितने भी स्टॉक लेने वाले हैं हम आज 7:30 बजे वो आपको मैं बता रहा हूं। यूनाइटेड ओवरसीज बैंक, ये 27 सिंगापुर का नहीं, ये SGD सिंगापुर का ये बैंक है। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये है ओवरसीज चाइनीज बैंकिंग कॉरपोरेशन, और ये चाइनीज जो है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, 12.26 SGD, और इसकी रेशियो है प्राइस अर्निंग 9, ये बहुत बढ़िया है, ये भी हम लंबे समय के लिए लेने वाले हैं। एक स्टॉक और मैं लेने वाला हूँ, वो है विलमार इंटरनेशनल लिमिटेड, SGX में F34 इसका कोड है, 3.9 SGD, और ये स्टॉक मैं लंबे समय के लिए लेने वाला हूँ 2030 तक के लिए, सभी मैं आपको बता देता हूँ, लेना लेना हमारा पैसा है, हम जानते हैं। ओवरसीज चाइनीज बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओवरसीज बैंक चाइनीज, ये 12.27 SGD करेंसी का है, और इसकी प्राइस अर्निंग है आपको कुछ नहीं, लेकिन 5.5 करोड़ का इसके प्राइस अर्निंग नहीं दिखा रहा है, लेकिन दिखा देता तो बढ़िया रहता। हाँ, एक और मैं स्टॉक लेने वाला हूँ, वो भी मैं आपको दे देता हूँ, इंडियन ओवरसीज बैंक, और मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये प्राइवेट कभी होगा नहीं, और लोग कहते थे ना होगा 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 तो देखा जाएगा। आइए दोस्तों, ये IT सेक्टर का स्टॉक, HSCTSS इसका कोड है, और नैसडैक में लिस्टेड है, $63 का ये स्टॉक है, मैं इसको भी आज लेने वाला हूँ, डिलीवरी में सबको लेने वाला हूँ, तो 14 पॉइंट इसलिए कि ये जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ ये आपको मैं 2030 के लिए ले रहा हूँ, लेकिन आपको 3 महीना बाद ही मैं बताऊँगा कि क्यों लिया। अब आइए भारतीय स्टॉक मार्केट की बारी दोस्तों। पूरी दुनिया का लगा है मेला, स्टॉक मार्केट का लगा मेला, और मेले में बम्पर कमाई कराने वाले 2030 तक स्टॉक आज हम अपने मेले से ख़रीदने वाले हैं दोस्तों। इंडियन होटल्स, ये भी मैं 15 से 20 जून में लेने वाले सभी स्टॉक में बता दूं, DLF, ये स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टी और गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये तीनों स्टॉक हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने वाले हैं दोस्त, आपको मैं इसलिए पहले बता दूंगा, आप लोग भी जान लीजिए। दूसरा,
बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लेने वाले हैं। माइक्रोटेक डेवलपर्स मैं तो एक सप्ताह पहले ले लिया था और हर गिरावट में मैं ख़रीदने वाला हूँ दोस्तों। चलिए अब ये हमारा मकसद पूरा हुआ। अगर पहली बार आए दोस्तों तो ये कोई वीडियो है, इसके पहले उसको ज़रूर देख लीजिए, आपको जीवन में काम आएगा। आप जिसके लिए शेयर बाज़ार में आए हैं, आपके सपने वो सारे शेयर पूरे करेंगे जो उस वीडियो में होंगे। ये नहीं कहना सर कि आपने बताया नहीं, ये थंबनेल का पोस्टर है, उसको ज़रूर देखिए दोस्तों। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप नेशनल इंटरनेशनल कोई भी ट्रेडिंग है जाते हैं विदेश में तो आप ट्रेडिंग करके जरूर नहीं दोस्तों कि हम तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने आए हैं, आप भी कमाइए, हम आपका सहयोग करते रहेंगे, ये हम आपके लिए वादा करते हैं और हम प्रणबद्ध हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जो भी आपको सवाल है कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर देता हूँ, हर लोगों को जवाब देने की 100% कोशिश करता हूँ और आपके समाधान के भी। आपके सफलता में आपकी आर्थिक जीवन में भागीदार इंटरटेक मुंबई रहते हैं और हमेशा रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।